हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली है 3.2 और प्रश्न करेंगे 4। ठीक है, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक कोण, ये अंतः कोण लिखा था बच्चों, प्रत्येक अंतः कोण 165 का हो। ठीक है, तो बच्चों अंतः कोण कौन से होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रही हूँ, जैसे ही त्रिभुज है बच्चों, तो इसके अंदर वाले जो कोण हैं, ठीक है, जो अंदर की तरफ बने हैं इस त्रिभुज में, वो है इसका अंतः कोण। और ये लाइन मैंने बड़ी कर दी, तो ये बाहर की तरफ जो बना हुआ कोण है बच्चों, ये है बाह्य कोण। ठीक है, अंदर की जब कोई भी फिगर है, कोई भी आकृति है, उसके अंदर बना हुआ कोण जो होता है वो होता है अंतः कोण, और उसी आकृति के बाहर बना हुआ कोण जो होता है वो होता है बाह्य कोण। ठीक है, तो ये रफ में बना के बता दिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए। ओके, इस तरह से होता है अंतः कोण और बाह्य कोण। अब क्योंकि ये सीधी लाइन जो होती है वो जो 180 डिग्री की होती है, और मुझे अगर बाहर का कोण निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 में से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या है। तो जो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या दिया है, अंतः कोण दिया है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण बराबर है 180, ठीक है, और घटा अंतः कोण। ठीक है, कोई भी कोण निकालना हो, में अगर अंतः कोण निकालना हो तो, और या फिर बाह्य कोण निकालना हो तो 180 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 180 में से उसको घटा देंगे तो हमारा वो वाला कोण निकल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या दिया है, अंतः कोण 165 का दिया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 180 में से 165 को घटाएंगे, और इन दोनों को घटाने पर मिलेगा 15। तो जो हमारा बाह्य कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा। ठीक है, अब बच्चों ये तो हमने निकाल लिया बाह्य कोण। अब इन्होंने प्रश्न में हमसे पूछा है कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में भी बताया था बच्चों कि इसको भुजाओं की संख्या निकालनी हो या कोण निकालना हो तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सभी बाह्य कोणों का कुल माप, मैंने पहले भी आपको ये वाला करवाया हुआ है, सारे बाह्य कोणों का कुल माप क्या होता है बच्चों, 360 होता है। इस प्रश्न में हमने किया था, पहले प्रश्न के दूसरे भाग में हमने ये किया था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, सभी बाह्य कोणों का कुल माप बराबर है 360 डिग्री। ठीक है, हमने पहले भी सीखा था ये। अब 360 डिग्री तो सारे कोणों का माप है, अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का माप उससे इसे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सारे जो बाहर के कोण हैं उनका टोटल है 360, बटे में हमें लिखना है प्रत्येक बाह्य कोण का माप। ठीक है, अब बच्चों आपको लगेगा प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमें कैसे पता चलेगा, अभी अभी हमने ऊपर निकाला है प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है 15 डिग्री। देखा है ना आपने, 180 में से 165 को घटाया हमने तो हमें मिला 15 डिग्री, जो कि बाह्य कोण का माप था। ओके, ठीक है, तो हमने लिख लिया 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण का माप, और इससे हमें मिलेगा क्या, मिलेगा भुजाओं की संख्या मिलेगी जब हम इन दोनों को भाग कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 360 बटे में 15, ठीक है ना, अभी हमने निकाला था ऊपर बाह्य कोण का माप, यहाँ पे निकाला है हमने। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 360 को 15 से भाग करेंगे या काटेंगे, आपको जैसे आसानी लगे आप वैसे इसको सवाल को हल कर सकते हो। तो मैं 15 से भाग कर रही हूँ, 15 दूनी 30, यहाँ बचेगा 6, ऊपर से उतारा 0, तो जाएगा 15 चौके 60, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 24 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे काट भी सकते हो, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ हमें मिल गई है बच्चों भुजाओं की संख्या जो है 24। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो शुरू से देख लो बच्चों मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर 5 करेंगे बच्चों, इसका ए पार्ट है, क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो। ठीक है, 22 डिग्री का बाह्य कोण का माप बताया गया है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है इसमें कोणों की संख्या। ठीक है, कोणों की संख्या पूछी गई है कि प्रत्येक
जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो 22 डिग्री का है, तो कितने इसमें कोण होंगे, उस बहुभुज में कितने कोण होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कोणों की संख्या, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है, कितने कोण उसमें हैं। ठीक है, तो हमें एक कोण का माप दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, माना कोणों की संख्या n, आप x भी ले सकते हो। ठीक है, प्रत्येक कोण का माप जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है वो है हमारा 22 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमारा फार्मूला क्या होता है बच्चों, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, इन दोनों को मैं गुणा करूँगी, n को गुणा करूँगी 22 से, तो मुझे क्या मिलेगा, बाह्य कोणों का योग मिलेगा। ठीक है, बाह्य कोणों का योग मिलेगा जो कि होता है 360। ठीक है, ये तो हमें पता है ना, बाह्य कोणों का योग किसी भी सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो मुझे मान पता है उसका मान मैं रख लूँगी, और जो मुझे नहीं पता उसको हम निकाल लेंगे, हमें n निकालना है। ठीक है, नंबर निकालना है कोणों की संख्या का। तो यहाँ मुझे पता है बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 गुणा n, n तो हमें निकालना है। ठीक, तो n को मैं यही रखूँगी, जब भी हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है, कोई मान निकालना होता है, जैसे हमें n निकालना है, तो n को हम एक तरफ रखेंगे, और 22 n के साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको 360 के नीचे रख के भाग कर देंगे। ओके, अगर आपको काटना आता है तो आप काट लो, अगर आपको काटना नहीं आता तो यहाँ पर आप भाग करके देख सकते हो। ठीक है, मैं 360 को 22 से भाग करूँगी तो कितने पे जाएगा, पहले तो एक पे ही जाएगा, 22 से कम 22, तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1, ऊपर से उतारेंगे 0, अब ये जाएगा बच्चों 6 पे। ठीक है, 22 छिक्के होता है 132। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 132, अब यहाँ पे मैं घटाऊँगी तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, हमारा पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, यहाँ पर मेरे पास 8 शेष बचा है। इसका मतलब ये है, ऐसा कोई भी बहुभुज नहीं हो सकता जिसका एक कोण 22 का हो। ठीक है, ऐसा कोई भी इस तरह का बहुभुज हो ही नहीं सकता, जब तक हमारा 360 पूरा पूरा से भाग नहीं होगा, पूरी तरीके से भाग नहीं होगा, तब तक हमारा वो बहुभुज नहीं बन सकता। तो हम लिखेंगे, क्योंकि 360 22 से पूरा विभाजित नहीं होता, इसलिए ऐसा संभव नहीं है, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसा समचतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना आंसर दे सकते हैं, अगर हमारा ये 360 22 से भाग हो जाता पूरा, तो ऐसा चतुर्भुज बनना संभव होता। ओके, तो आपका आंसर ये होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में, क्योंकि हमें 22 डिग्री का कोण दिया गया था, इसलिए ऐसा, क्योंकि ये पूरा भाग नहीं हो रहा, ऐसा कोई समचतुर्भुज नहीं हो सकता जो कि 360 से पूरा पूरा भाग ना हो, इसलिए ऐसा संभव नहीं है, ऐसे लिखेंगे हम अपना आंसर। ओके, तो इसका बी पार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो बी पार्ट है, क्या यह किसी समचतुर्भुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। तो आपको अगला क्वेश्चन इसी का दिया है, क्या ये समचतुर्भुज का अंतःकोण हो सकता है। अब हम 22 डिग्री को ही लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे और देखेंगे कि 22 डिग्री कोई त्रिभुज या किसी समचतुर्भुज का अंदर वाला कोण हो सकता है या नहीं। ठीक है, अभी हमने क्या करा था, बाहर वाला कोण, अब देखते हैं कि अंदर वाला कोण हो सकता है या नहीं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमें बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया है। तो देखो, सबसे पहले समझो कि 22 डिग्री अंदर का कोण है, तो बाहर जो लाइन मैंने बाहर निकाली है वो होगा इसका बाहर का कोण। तो हम क्या लिखेंगे, 22 जमा बाह्य कोण। ठीक है, बाहर के कोण को जब इसमें जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ के आएगा 180। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर का कोण कौन सा है, तो हम मान लेते हैं माना बाह्य कोण बराबर है x। ठीक है, जो कोण हमें नहीं दिया गया उसको हम x मानते हैं, आप यहाँ पर n भी मान सकते हो। ठीक है बच्चों, थोड़ा स्क्रीन धुंधली हो रही है, अभी आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा, थोड़ी देर मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, 22 जमा x बराबर 180। ठीक है, क्योंकि हमें बाह्य कोण का मान नहीं पता, उसकी जगह हमने x लिखा है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें 180 में से 22 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 में से 22 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 158। ओके, क्या आ जाएगा, 158 डिग्री का कोण आ जाएगा जो हमारा बाह्य कोण होगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगी x बराबर है 158। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माना कोणों की संख्या बराबर n। ठीक है,
अब हम कोणों की संख्या क्या ले रहे हैं, एन ले रहे हैं। और हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। जो हमारा बाह्य कोण का मान निकला है उसको हम एन से गुणा करेंगे, बराबर है, उसके बराबर होता है बाह्य कोणों का योग। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान से देख लेना, जब भी हमें इस तरह से कोण निकालने होते हैं, अंतः कोण या बाह्य कोण, तो हमें ये सब कुछ लिखना पड़ता है। तो आगे मैंने लिखा है बच्चों 158 गुणा एन बराबर है 360। बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, मैंने वहाँ पर उसका मान लिख लिया। जो हमने एक्स का मान ऊपर निकाला था 158 वो लिखा और गुणा एन। अब एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 360 को 158 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 360 को 158 से भाग करेंगे, तो मैं फिर कह रही हूँ अगर आपको काटना आता है तो आप काट सकते हो, अगर आपको काटना नहीं आता तो आप इसको भाग करके देख सकते हो। तो ये जाएगा बच्चों 2 पर, 158 दूनी होता है 316, और उसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गए तो 4, और 5 में से 1 गया तो 4। अब हमारे पास यहाँ पे बच्चों 44 बचा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, क्योंकि 360 158 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है या विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं होता इसलिए ऐसा संभव नहीं है। जब तक हमारा भाग पूरा पूरा नहीं होगा तब तक ऐसा संभव नहीं होगा। ठीक है, तो हमें सेम ऐसा ही आंसर लिखना है जैसे ऊपर लिखा था, ऊपर वाला ए वाला जो हमने पाठ किया था, तो इस तरह से आपको लिख देना है, क्योंकि 360 158 से भाग नहीं होता है ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। तो यह है आपका बी वाले पार्ट का आंसर। ओके, प्रश्न नंबर 6 करेंगे, इसका ए पार्ट है, किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है इसने कि कोई भी अगर हम आकृति ले लेते हैं सम बहुभुज की, उसमें अंदर का कोण कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है, कितने डिग्री का संभव है। ठीक है, सम बहुभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। ओके, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चों मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति बना लेती हूँ, क्योंकि सम बहुभुज में त्रिभुज की आकृति भी शामिल हो सकती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, तो ऐसा त्रिभुज भी तो हो सकता है। ठीक है, इसकी ये सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। थोड़ा छोटा बनाया है मैंने, आपको एक बड़ा त्रिभुज बना के अच्छे से समझाती हूँ, दोबारा बना देती हूँ उसको। इस तरह से एक त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, इसका मैं क्या करती हूँ, कोण मुझे नहीं मालूम तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक्स मान लेती हूँ। ये भी एक्स डिग्री है, ये भी एक्स डिग्री है, और ये भी एक्स डिग्री है। ठीक है, तीनों कोण हैं जो एक्स के हैं, एक्स डिग्री के। ठीक है, अब हमें अंतः कोणों के बारे में पूछा है इन्होंने कि कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है। तो हम जो एक्स मान के चल रहे हैं, तो हम तीनों एक्स को जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे 180 के, क्योंकि अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तीन एक्स को जोड़ेंगे तो तीन एक्स ही होगा, तीन बार एक्स को जोड़ा जाएगा तो तीन एक्स होएगा, बराबर 180। अब एक्स जो है वो तीन के साथ गुणा हो रहा है, तो दूसरी जगह जाकर वो भाग हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। तो ये कट जाएगा बच्चों, 3 × 3 और 3 × 6 = 18 और 10 बच जाएगा, तो एक कोण मेरा आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, और हमने तीनों कोण एक्स 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 लिए हैं, इसका मतलब तीनों कोण जो होंगे हमारे 60-60 डिग्री के होंगे। तो हमारे एक त्रिभुज में कम से कम अगर हम अंतः कोण मान के चलें तो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो वही हमें अपने उत्तर में लिखना है कि कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है। ठीक है, इस तरह से हम अपना उत्तर लिख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा 6ठे क्वेश्चन का ए वाला पार्ट, आपको इस तरह से अपना जवाब लिख देना है। अब इसका बी वाला पार्ट है बच्चों, किसी सम बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अभी हमने अंतः कोण के लिए निकाला था, अब हम निकालेंगे बाह्य कोण के लिए। अब मैं वैसा ही त्रिभुज बना रही हूँ, लेकिन इसकी एक लाइन बाहर को ज़्यादा बड़ी बना लेंगे। ठीक है, तो अंदर के कोण तो हमने निकाल लिए 60-60 डिग्री के हैं, अब हमें बाहर का कोण निकालना है ये वाला। ठीक है, अब बच्चों तुम्हें मालूम है कि ये जो सीधी लाइन होती है ये होती है 180 डिग्री की। ठीक है, अगर मुझे एक कोण मालूम है तो मैं दूसरा कोण निकाल सकती हूँ, मान लो मैंने वाई मान लिया इसको। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, 60 + y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हमें x का मान हमने पहले वाले पार्ट में निकाल लिया, 60 डिग्री आया। दूसरे वाले पार्ट में हमें y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, y बराबर के एक साइड रखेंगे और 180 में से 60 को घटा देंगे, तो हमारा y का मान क्या आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं। तो इसने यही पूछा था क्वेश्चन में कि अंतः कोण कितने का होगा, वो भी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल के दिखा दिया, और इन्होंने बी वाले पार्ट में क्या पूछा है कि बाह्य कोण कितने डिग्री का हो सकता है कम से कम, तो हमने वो भी इनको बता दिया है। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.2। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।